तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं मदद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो आज थिएटर के अंदर एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है ओम नाइन। जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब नाम था ओम द बैटल विद इन। आज जब थिएटर के अंदर रिलीज हुई है तब नाम रखा है राष्ट्र कवच ओम। तुमको अगर कुछ भी नहीं पता इस मूवी के बारे में तो क्या कर रहे हो यार, इट्स मॉडर्न डे मास्टरपीस। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी पिक्चर से, लेकिन मैं जैसे तैसे करके थिएटर के अंदर गया और क्या सरप्राइज दिया इसने। आई एम शॉक्ड। पैरों तले जमीन खींचने वाली जो बात हो जाती है ना वो हुई है मेरे साथ। इतनी बढ़िया स्टोरी, क्या ट्विस्ट और टर्न्स दिखाया मैं गेस भी नहीं कर सकता था। इतना जबरदस्त स्क्रीन प्ले इसका, तो एक्शन जो है बूम बैम बवाल। इसको देखने के बाद ही मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि मैं मूवीज क्यों देखता हूँ। मेरे अंदर का पैशन जो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, उतना मजा नहीं आ रहा था जिंदगी के अंदर, इसने एकदम से सारे मजे दे दिए। तुमको लगा मैं सीरियस था? अब अपनी जिंदगी के 3 घंटे बर्बाद करके आया मैं ताकि तुम ना करो, इसलिए सोचा कि थोड़ा बहुत मजाक कर ले। तो तुम कितने लोग सीरियस ले रहे थे इस बात को, मैंने तुम्हारा ठीक उसी तरीके से काटा है जैसा इस पिक्चर ने मेरे साथ किया। और अगर मेरे को ये पिक्चर देखकर वीडियो बनाना नहीं होता ना तो मैं बीच में उठ के चला आता। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसा सवाल जरूर पूछेंगे कि भाई जब तेरे को पहले से पता था, अंदाजा था इसका ट्रेलर देखने के बाद कि पिक्चर अच्छी नहीं निकल सकती तो देखने क्यों गया, तेरे अंदर कीड़े हैं जो इसी पिक्चर देखने जाता है। दो रीजन। नंबर वन, कि अंदर से ऐसे थोड़ी उम्मीद होती है कि हाँ भाई देखो ट्रेलर के अंदर भले मजा ना आ रहा हो लेकिन पिक्चर अच्छी निकल सकती है, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर किया है। Oh my God. Reason number 2 जिसके कारण मैं ये पिक्चर देखने गया, क्योंकि गाइस जैसे आप सबको पता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो देखने के भी आपको पैसे मिलेंगे। हाँ जी, मेरे वीडियो का क्विज फिर से इस अमेजिंग ऐप क्विजी पे आ चुका है। आप मेरी इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन यूज करके क्विज खेल सकते हो, वो भी एकदम फ्री में, और डेली 500 रुपीज तक कमा सकते हो। जैसे कि इस मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस है संजना संघी, उनको हमने और एक कौन सी दूसरी पॉपुलर मूवी के अंदर देखा था, आसान था ना। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग IPL मूवीज, रामायण और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर क्विजेस खेल सकते हो, डेली पैसे जीत सकते हो। डाउनलोड करते आप लोगों को 10 रुपए वॉलेट में मिल जाएंगे एकदम से। अभी डाउनलोड कर लो और मेरी वीडियो का क्विज खेलो, डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन। स्टोरी, ओम नाम का सबसे बेस्ट पैरा कमांडर जिसको एक मिशन के ऊपर भेजा जाता है और उस मिशन के अंदर लड़ाई करते वक्त उसके दिमाग में गोली लग जाती है। गोली लगने के कारण वो मरता नहीं बल्कि उसकी याददाश्त गायब, और अब उसको फिगर आउट करना है कि वो कौन है, क्या चल रहा है, लोग उसको मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। स्पॉइलर के साथ बताना चाहूंगा कि ये जो मिस्ट्री है ना वो उसको एकदम जल्दी ही पता चल जाती है, और जो लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, वो दूसरों को मारने लग जाते हैं, जबकि उनको अंदाजा है कि पूरे खेल के अंदर सबसे बड़ा गड़बड़ ये ओम ही कर सकता है, लेकिन इसको नहीं मारेंगे ना। लेकिन ये मेमोरी वाले एंगल से स्टार्ट करने के कारण मूवी के अंदर इतने सारे ट्विस्ट डाले गए ना, इतने ज्यादा ट्विस्ट टर्न्स हैं कि एक पॉइंट के बाद तो मुझे उसका सेंस भी नहीं बन रहा था कि भाई ये मैच करता है कि नहीं स्टोरी में, बस वो चले जा रहा है और मैं देखे जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना दिमाग यूज करना भी बंद कर दिया कि हाँ भाई तुमको जो दिखा रहा है दिखा दो, क्योंकि या तो मैं बहुत ज्यादा डम हूँ या तो फिर ये मूवी बहुत ज्यादा स्मार्ट है जो कि मेरे कॉम्पिटेंस के अंदर नहीं आती, जिसके कारण एक पॉइंट के बाद तो मूवी के अंदर से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग तो इसके बढ़िया नहीं थे, लेकिन मूवी एक मिस्ट्री थ्रिलर है और इसके अंदर अपने को रॉ वाला एजेंट पूरा दिखाया है जिसको लेके इसको सीरियस होना चाहिए था, लेकिन उन्हीं के बीच में कॉमेडी वाले कैरेक्टर्स भी डाल दिए हैं, वरना जो कौन मारेगा हम एक्टिंग। आदित्य रॉय कपूर जो कि ओम का कैरेक्टर प्ले करते हैं पिक्चर के अंदर, उन्होंने क्या बॉडी बनाई है, काफी जबरदस्त। लेकिन उसी बॉडी को दिखाने के लिए जो एक्शन उन्होंने चूज किया, ओम भाई साहब अपने चल के जा रहे, दो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ओम के अंदर इतनी ताकत है ना कि वो दोनों लोग ऐसा ओम के लाइक लिटरल परपेंडिकुलर हवे में है झूल रहे हैं, और क्योंकि उनके हाथ में ओम का शर्ट है तो उसका शर्ट फट जाता है और उसकी बॉडी दिखती है अपने को। जैकी श्रॉफ, आशुतोष राणा और प्रकाश राज, ये देखो इन्होंने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया कि इनको एक्टिंग आती है, लेकिन इस पिक्चर के अंदर भी जो वो लोग बजा रहे थे इतने ज्यादा जेनेरिक फील हो ना कि उनको देख के भी मजा नहीं आया। और अगर तुम लोग वेट कर रहे हो कि मैं संजना संघी के बारे में कुछ बोलूंगा तो बस वो थी पिक्चर के अंदर एक्शन VFX। सबसे पहले तो देखो पिक्चर के अंदर का जो सेट डिजाइन है ना वो इसके स्केल से मैच नहीं करता, मतलब अपने को बोला गया है बैटलशिप, लेकिन जब तुम लोग उसी बैटलशिप को देखोगे ना तो वो किसी नाव से कम नहीं लगता। जंगल के बीच में जब चारों तरफ से सनलाइट आ रही है तो फिर झाड़ के ऊपर छोटे छोटे लाइट्स कौन लगाता है, और वो भी चालू करके। तुमको अगर आइडिया नहीं तो फिर ये एक टेक्निक है बैकलाइट करने की जो कि मोस्टली म्यूजिक वीडियोस के अंदर यूज करी जाती है और एक्शन सीक्वेंस के अंदर भी, लेकिन उसका थोड़ा सेंस बनना चाहिए ना। दिन दहाड़े लाइट कौन चालू करता है। गन वाला जो अपने को एक्शन देखा है उसके अंदर लिटरल गन्स और उसके VFX खिलौने जैसे लगते हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को अकेला बंदा चैन से खींच रहा है, चलती हुई बोट में नीचे नदी में से ऊपर जंप मार रहा है, ये सब के बारे में बात नहीं करेगा मैं क्योंकि लॉजिक नहीं ढूंढना है मुझे। लेकिन यार एक बात बताओ, जिस इंसान ने एक टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है 10-15 साल लगा के, पूरी दुनिया के अंदर वो इकलौता है जिसने वो बनाया है, उसको खुद को नहीं पता चलता कि वो असली है कि नकली है। फाइनल विचार देखो, जब इस मूवी का इंटरवल हुआ था और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट दिया था तो उसके अंदर बोला है कि ये पिक्चर अच्छी नहीं है, लेकिन हीरोपंती 2 और सत्यमेव जयते 2 जितनी खराब भी नहीं है, क्योंकि ये बीच बीच में एटलीस्ट थोड़ा एक सीरियस वाला अप्रोच लेने की तो कोशिश करती है और अपने को कुछ ड्रामा दिखाया है। लेकिन फिर जैसे इसका
सेकेंड हाफ चालू हुआ और वहां से पिक्चर आगे बढ़ी है ना, उतनी ही ज्यादा अपसर्ड होते गई है। लेकिन फिर भी अगर तुमको सिर्फ मसाला मूवीज देखने की आदत है, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस मूवी को ट्राई कर लो और मेरे को आगे बताओ कि कैसी लगी पिक्चर। क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया इसको देखते वक्त तो पहले तुम मेरे को गाली पड़ेगी। हालांकि OTT पे आने के बाद ट्राई दे सकते हो। तुमको मैंने ऐसी पिक्चर से बचाया है तो उसके लिए मेरे को क्या मिलेगा? सब्सक्राइब करो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? चलो दोस्तों, वीडियो तो पूरी हो गई, अब आपकी बारी है पैसे कमाने की। तो जाओ क्विज खेलो और बताओ कि क्या मेरे इस वीडियो के ऊपर 500K व्यूज क्रॉस होंगे। इस पर भी आप अपना ओपिनियन देके पैसे कमा सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेट्स डू क्विज। बाय।